मैं इस जिंद का श्रेय अपनी प्रजा को देना चाहता हूँ, पंचायत की जो भी जनता वह है जनता उसको देना चाहता हूँ। उनके विश्वास की जीत है, उनकी अपनी जीत है ये, और विकास की जीत है। अपना मैनिफेस्टो होगा जनता में जो भी समस्या है, पानी से, बिजली से, रोड से, लाइट से, उसका निदान करना, उनकी सुनाई होगी सभी समस्याओं की और उनका निदान किया जाएगा। आप सरपंच चुने गए हैं ग्रामवासियों की तरफ से, तो आपके क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? पानी, बालिका शिक्षा और नाली, रोड वगैरह, ये सभी कराए जाएंगे, समस्याओं का समाधान होगा सभी का। मैं सभी पंचायत समिति के मतदाताओं से अपील करती हूँ कि जिन्होंने मुझे जिताया, मैं उसके बार बार धन्यवाद देती हूँ। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और सब मिलजुल कर रहें और यही उनकी वो करना चाहिए। मेरी इन 5 सालों में प्राथमिकता होगी, सबसे पहले तो पानी की समस्या को दूर करना, बालिका शिक्षा को लेकर के, और रोड से, लाइट से, कोई भी जन समस्या होगी सभी का समाधान किया जाएगा, सभी की सुनाई होगी। 24 घंटा मैं पंचायत को दे सकूं, मैं फुल कोशिश चीज़ें करूंगा, चाहे कभी भी किसी भी टाइम कोई आएगा, वो सभी की सुनाई होगी। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, 24 घंटा सेवा आप पंचायत को मिलेगी। पंचायत समिति मुख्यालय पे नहीं मिलूंगा, घर पे मिलूंगा, घर पे नहीं तो कहीं भी मिलूंगा, फ़ोन से अवेलेबल होऊंगा। अगर कोई भी समस्या होगी, कहीं बाहर भी फ़ोन मिला आएगा तो तुरंत पहुंचने की कोशिश करूंगा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। विद्यालयों में जो भी टीचर लेट सेट आते हैं उनकी ध्यान किया जाएगा, और जो भी बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते किसी समस्या से, उसका समाधान किया जाएगा, यही प्राथमिकता होगी। जो भी सरकार की योजना आएंगी उसे सभी ग्रामवासियों को अवगत कराऊंगा और उन सब योजनाओं का लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे गांव में पानी की मुसीबत है और रोड की भी है, और बच्चों की संभाल नहीं हो रही है स्कूल में, तो यह समस्या हम सरपंच साहब से चाहते हैं यहाँ समस्या को समाधान करें। हमारी पंचायत में बिजली, पानी, रोड, बच्चों की समस्या है, उसका समाधान करे ये उम्मीद रखते हैं। हाँ, कि हमारी ये समस्या दूर करे। क्या नाम आपका? अंजू देवी।